हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर्व का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया का दिन काफ़ी शुभ होता है और किसी भी नए कार्य की शुरुआत इस दिन की जा सकती है। इसके लिए किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक अक्षय तृतीया पर्व इस साल शनिवार 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हर साल अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। सोना खरीदने की परंपरा। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना की परंपरा है। इस दिन सोना खरीदना काफ़ी शुभ होता है, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सोने के विकल्प के रूप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खरीद सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा घर और परिवार पर बनी रहती है। पौराणिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को सोना बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन लोग सोना और उसके आभूषण आदि खरीदते हैं। सोने के स्थान पर खरीदे ये चीज़ें। श्री यंत्र। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो आप सोने के स्थान पर ये चीज़ें भी खरीद सकते हैं। श्री यंत्र। अक्षय तृतीया पर्व पर सोने के स्थान पर श्री यंत्र भी खरीदा जा सकता है। अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र खरीद कर घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। पूरे विधान से घर में श्री यंत्र की स्थापना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पीली कौड़ी। ज्योतिष और वास्तु में पीली कौड़ी को घर में रखना शुभ माना गया है। पीली कौड़ी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को बेहद पसंद है। अक्षय तृतीया पर पीली कौड़ी खरीद माता लक्ष्मी के चरणों पर रखना शुभ होता है। फिर अगले दिन लाल कपड़े में लपेट कर अलमारी में रखने की आर्थिक फिर अगले दिन लाल कपड़े में लपेट कर अलमारी में रखने से आर्थिक लाभ होता है। शंख। शंख को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शंख घर में लाने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अक्षय तृतीया के दिन जौ खरीद सकते हैं। 1.25 किलो जौ खरीद कर घर के भंडार गृह में रखने से घर में माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।